Hi guys, this is Advishesh. Hope you all are doing good. As per you know, India is an agriculture dominant country. जिस तरीके से साउथ इंडिया में असम, मोस्टली असम में चाय फेमस है, चाय की पत्ती, टी लीव फेमस है, उसी तरीके से नॉर्थ इंडिया का एक पार्ट है, इट इज़ नोन एज यूपी, उत्तर प्रदेश. इस उत्तर प्रदेश में आलू और गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है. एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग ओवर इन वेरी एपिक एरिया ऑफ यूपी, दैट इज़ नोन एज फरुखाबाद. इट्स ऑल्सो माई नेटिव प्लेस. अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, आप एक बार देख लो ये एरिया. दैट एरिया इज़ मोर देन 50 लाख स्क्वायर फिट, 50 लाख स्क्वायर फिट से ज़्यादा का एरिया है ये. यहाँ बगल से दहोली रिवर, गंगा पास हो रही हैं. अब से बहुत से लोगों को पता होगा कि द ओरिजिन ऑफ गंगा इज गौमुख सिचुएटेड एट गंगोत्री. इतने ज़्यादा आयुर्वेदिक रेमेडीज़ होने की वजह से गंगा नदी में यहाँ की जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी पावर बहुत ज़्यादा है. इसी वजह से यहाँ पर जो आलू उगता है और जो शुगर कैन गन्ना उगता है, वो सिर्फ यहाँ के आसपास के एरिया में ही नहीं बल्कि अदर स्टेट्स में भी एक्सपोर्ट होता है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ के जो लोकल पीपल हैं उस साइड में, वो जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ का एक लोकल सॉन्ग बजाते हैं. ये जो गाना है इसको आला बोलते हैं, आला. अब आला के बारे में जो है आप अपने पापा नहीं, आई थिंक दादाजी लेवल के लोगों से पूछोगे तो और अच्छा बताएंगे. ये आला वगैरह जो है वो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड होता है. एंड कभी आए फरुखाबाद तो इस एरिया को विज़िट करें. आप जो भी आलू खाते हो, लगभग 6 से ज़्यादा वैरायटी होती हैं आलू की, आई थिंक इससे ज़्यादा भी होती होंगी, तो वो मोस्टली इन्हीं एरिया से आता है. आप चाहे कहीं के भी हो इंडिया में, लेकिन आप जो भी आलू खा रहे हो वो इन्हीं एरिया का आलू है. ये ज़मीन आप यहाँ की देख सकते हो. अभी तो आई थिंक आलू की फसल जो है वो शायद लग रही है और होने वाली है.